कि किसी का मुखौटा लगाने से, किसी के कपड़े पहनने से, या किसी के वचनों को कॉपी पेस्ट करने से, किसी की तरह आज व्यवहार थोड़ा दिखाने से वो आदमी वैसा नहीं होता है। डॉक्टर अगर शरीर पर हमें ऑपरेशन करके वो छुरी या कैंची लगाता है तो हमें मारने के लिए नहीं लगाता है, हमें हर्ट करने के लिए, कि हमें चीर फाड़ने के लिए नहीं लगाता है, हमें ठीक करने के लिए वो लगाता है। स्वामी जी, हनुमान जी के बारे में कुछ बताइए। नमस्कार, नमो नारायण। भगवान शिव जी के ऊपर आपकी काफ़ी फरमाइशें आती हैं, और उससे भी ज़्यादा आपकी फरमाइशें होती है कि हनुमान जी के ऊपर। तो हनुमान जी के ऊपर मैं आपको भी निवेदन करूँगा कि आप स्वयं से भी कुछ पढ़ें, हनुमान जी का पुराण है वो पढ़ें, हनुमान जी से चरित्र से जुड़ी और सी बातें हैं वो भी आप पढ़ें। आज जिस विषय को लेकर के मैं आपको हनुमान जी का चरित्र बता रहा हूँ वो है किसी का गर्व कैसे निकाला जाता है, गर्व भंजक श्री हनुमान। तो ये कहानी तो कृष्ण से जुड़ करके चलती है। भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठे हुए हैं गरुड़ जी और उनके सुदर्शन चक्र और सत्यभामा। और कारण सर, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि जब हम किसी के बहुत नज़दीक हो जाते हैं तो उसकी गुडविल या उसके इम्प्रेशन से हम इतने मदमस्त हो जाते हैं कि हम बहुत ईगोस्टिक हो जाते हैं, हमारा गुरूर चरम सीमा पर होता है। तो गुरुजनों को पता है, परमात्मा को पता है कि कब कैसा उसका गुरूर जो है वो तोड़ना होता है। और गुरूर तोड़ने के लिए, उसका ईगो तोड़ने के लिए, उसका अर्थ ये नहीं है उसको मारना है, उसको उसके लेवल पे लाना, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ना, कट इट टू इट्स ओन लेवल, उसको लेवल पे लाना होता है। तो जब भगवान श्री कृष्ण को लगता है कि सुदर्शन चक्र का, सत्यभामा जी का और गरुड़ का बहुत गर्व जो है गुरुड़ बढ़ता जा रहा है, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो उन्हें अपने त्रेता युग वाले हनुमान जी की याद आती है। अभी तो ये द्वापर में बैठे हुए हैं कृष्ण जी और द्वारिका में बैठे हुए हैं, तो वो हनुमान जी का सूक्ष्म रूपेण आह्वान करते हैं कि तुम्हें तुम्हारे इष्ट बुला रहे हैं, और उनको संकेत भी दे देते हैं कि आपका काम क्या है। ऐसे पूर्व में हो चुका है कि गरुड़ का जो गर्व है उसको तोड़ने के लिए उन्होंने काकभुषंडी के माध्यम से उनको कथा श्रवण करवाई। और अगर पंछियों के लेवल से देखेंगे तो काकभुषंडी मतलब कौआ हुआ, और काकभुषंडी से गरुड़ कथा सुने शिवजी के माध्यम से, ये भी गर्व तो टूटा लेकिन फिर भी वो गर्व वापस से उठता है। साधक जीवन के अंदर, साधना के अंदर, अध्यात्म के अंदर ये जो अहंकार है ना, ये निर्मूल नहीं होता, ये अहंकार रहता है। फिर चाहे उसको सात्विक कहो, राजसिक कहो, तामसिक कहो, ये स्प्राउट होता है। जैसे कि रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, जैसे पीपल का पेड़ निकलता है उसी तरह अहंकार बढ़ता है। तो अब इन तीनों के अहंकार को एक साथ भगवान ने जैसे कि असाइन किया किसी को, हनुमान जी को, कि भाई आ जाओ काम करो। हनुमान जी आते हैं, श्री हरि के जो अस्त्र हैं सुदर्शन जी, तो सुदर्शन जी को भी समझाना है, गरुड़ को समझाना है, सत्यभामा को समझाना है। गरुड़ को भगवान कहते हैं कि देखो कोई आ रहा है मुझसे मिलने के लिए, लेकिन उसको तुम तुरंत आने मत देना, ठीक है, रोक देना उसको। गरुड़ को लगता है कि कौन आ सकता है, बोले एक है आएगा, देख लेना अपने हिसाब से। बोले प्रभु, इसके लिए आप किसी सिपाही को भेज देते, मुझे भेज देते हो, मन के अंदर विचार। अब हनुमान जी जब आते हैं तो बहुत स्वरूप छोटा ही है, सामान्य स्वरूप है, गरुड़ तो गरुड़ है। उनको लगता है कि ये खरगोश अभी पंजे में उठा करके ले जाऊंगा, भगवान जी के आदेश का पालन करूंगा। तो वो ललकारते हुए उसके सामने जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। हनुमान जी अपनी जिद पे हैं और जिद पे हैं, और दोनों के बीच में थोड़ा घर्षण होता है। गरुड़ जी थक जाते हैं, उनको लगता है ये बात सामान्य तो नहीं है। और जब हनुमान जी मुष्टि का प्रहार करके गरुड़ जी को लगाते हैं तो गरुड़ जी उसके मुष्टि प्रहार से इतना दूर चले गए, तब तक हनुमान जी को समय मिल गया और वो आ जाते हैं अपने द्वारिका की तरफ, राज दरबार में कृष्ण बैठे हुए सत्यभामा के साथ। वहां कृष्ण जी और लीला करते हैं, सुदर्शन को कहते हैं, सुदर्शन चक्र को, कि देखना अब जब मैं सत्यभामा जी के साथ बैठा हुआ हूं तो तुम किसी को अंदर मत आने देना, ठीक है। वो दरबार के बाहर बैठे सुदर्शन जी के, सुदर्शन जी के सामने कौन उनसे पंगा ले सकता है, कौन उनसे भिड़ सकता है। लेकिन हनुमान जी उसका भी गरुड़ चूर करते हुए सुदर्शन जी के नजरों के सामने से वो दरबार में आते हैं। लेकिन यहां पर एक घटना ये हो जाती है
कि जब गरुड़ जी हार जाते हैं तो उनको लगता है कि मुझे अपने स्वामी को तो बताना चाहिए कि कौन आ रहा है और कैसे। तो उन्होंने कहा कि जो आ रहे हैं वो हनुमान जी हैं, और वो हनुमान जी वो हैं जो आपके द्वार पर में त्रेता युग में जब आपके साथ थे ना, वो हनुमान जी हैं, वानर स्वरूप हैं, और वो चाहते हैं मैं राम से मिलने जा रहा हूँ, लेकिन प्रभु आप तो कृष्ण स्वरूप में हैं तो आपको मिलने के लिए वो आ रहे हैं। इतने में वो देखते हैं कि हनुमान जी तो आ ही चुके हैं। कृष्ण यहाँ पर सत्यभामा से, अभी उनके गर्व को भी तो भंजन करना है, तो सत्यभामा को कहते हैं कि देखो हनुमान जी मेरे बहुत उत्तम सेवक हैं, और जब मैं राम अवतार में था तो हनुमान जी की गाथाएं अद्भुत हैं, तो वो मुझे कृष्ण स्वरूप में शायद स्वीकार नहीं करेंगे, तो मैं अपना स्वरूप बदल के राम का स्वरूप कर लेता हूँ, तुम ऐसा कर लो सीता का स्वरूप कर लो। सत्यभामा कहती हैं ठीक है, जैसे स्वामी आपकी इच्छा। और सत्यभामा को थोड़ा गर्व था कि मैं तो बहुत कुछ कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती हूँ, पारिजात के पेड़ को हमने स्वर्ग से उतार करके धरती पे लाया हुआ है, अभी भी मेरे देखो आंगन में खिला हुआ है, मेरे स्वामी ने क्या क्या नहीं किया हुआ है, मैं अपने स्वामी की बहुत प्रिय हूँ, वगैरह वगैरह ऐसे गुमान मन के अंदर हैं। और सत्यभामा सीता जी के स्वरूप में आ जाती है, हनुमान जी प्रवेश करते हैं, हनुमान जी प्रवेश करते हैं, कृष्ण तो अब राम के स्वरूप में हैं, इसीलिए हनुमान जी उनको साष्टांग प्रणाम करते हैं। कृष्ण के स्वरूप वाले वो राम जी जो दिखाई देते हैं उन्होंने उनका आलिंगन किया, और यहाँ पे बड़ी मज़ेदार घटना घटती है कि वो कहते हैं हनुमान जी राम दिखने वाले राम को जो है वास्तव में कृष्ण, कि प्रभु ये कौन दासी हैं जो आपके साथ खड़ी हैं, आपके साथ तो माँ सीता को होना चाहिए था, ये कौन सी दासी आपने खड़ी कर रखी है। सत्यभामा को लगता है कि ये तो राम हैं, ये इसने स्वीकार कर लिया, लेकिन मैंने जो सीता जी का स्वरूप ले रखा है तो कहाँ, मतलब इसको दिखता नहीं कि मैं सीता नहीं हूं। आप इस कहानी का मर्म समझो कि किसी का मुखौटा लगाने से, किसी के कपड़े पहनने से, या किसी के वचनों को कॉपी पेस्ट करने से, किसी की तरह आज व्यवहार थोड़ा दिखाने से वो आदमी वैसा नहीं होता है। आज की तारीख में हम ऐसे कई डबल फेस के व्यक्तियों को देखते हैं, तो ये भगवान के समय भी ऐसा बड़े बड़े अवतारों में हुआ है। तो सत्यभामा को ये अंदर से फीलिंग आ गई कि नहीं, सीता जी इसका मतलब इतनी श्रेष्ठ हैं, और सीता जी का जो चरित्र है वो इतना महान है, जिसको मैं चाह करके भी अगर कॉपी पेस्ट करके भी दिखा रही हूँ तो हनुमान जी मुझे पहचान गए कि मैं सीता नहीं हूँ, दिखने में मैं भले सीता हूँ लेकिन मैं हूँ नहीं। और आपको अगर याद हो कि रामायण के अंदर भी यही किस्सा आ जाता है, जब रावण को ये सजेशन दी जाती है, कहा जाता है कि आप तो मायावी हो, आप स्वरूप बदल करके राम का स्वरूप बदल करके चले जाओ सीता के पास, वो आपको स्वीकार कर लेगी, आपसे आपकी बात मान लेगी। तो उस वक्त का जो जवाब है रावण जी ने दिया कि ये राम का स्वरूप लेते ही मेरे अंदर का जो रावण है वो मर जाता है, और मेरे अंदर जो गुणधर्म आते हैं, जो विचार आते हैं, जो मेरी इच्छाएं आती हैं वो राम की हो जाती हैं, तो मेरे लिए फिर पर स्त्री जो है वो माँ समान हो जाती है, वासना नहीं होती। तो रावण वहाँ ये बताना चाहते हैं कि जब आप किसी के स्वरूप को अपनाते हो, जैसे शिष्य अपने गुरु के स्वरूप का चिंतन करते हैं, गुरु के स्वरूप में चलते हैं, तो सिर्फ स्वरूप को नहीं उनके गुण धर्म के साथ उसको अपनाओ। और यहाँ जो सत्यभामा ने स्वरूप लिया हुआ है वो सत्यभामा ने स्वरूप सीता का लिया ज़रूर है, लेकिन सीता का जो गुण धर्म है समर्पण का है, अपने स्वामी के प्रति जो उनका जो भी भाव है वो सत्यभामा के कैरेक्टर में उतर नहीं रहा है। इसलिए जो सत्य है, भक्त है, हनुमान जी हैं, वो उनको पहचान जाते हैं कि ये सीता नहीं है। इस कहानी के माध्यम से, ये मैंने आपको हनुमत पुराण के माध्यम से ये कहानी बताई है, इस कहानी के माध्यम से भगवान इतना ही बस करते हैं कि तुम मेरे कितने भी नज़दीक के भक्त हो। हम कभी कभी कहते हैं ना कि मैंने भगवान के लिए इतनी सेवा की, ये किया, वो किया, भगवान ने हमें दुख क्यों दिया। थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करें, अपने अंतर उतरें कि कहीं किसी चीज़ का मेरे अंदर अहंकार तो नहीं हो गया। मुझे याद आता है कि एक हमारे आईएएस ऑफिसर थे, वो कभी रिश्वत नहीं लेते थे, लेकिन उनकी नज़र में उनके इष्ट थे जगन्नाथ जी, तो कहीं पे जगन्नाथ जी का मंदिर बन रहा था और उन्होंने रिश्वत तो नहीं ली डायरेक्ट, लेकिन उन्होंने जगन्नाथ जी के मंदिर के लिए उस पार्टी को कह दिया कि वहाँ पे इतने लाखों का तुम चेक दे देना, और उस चक्कर के अंदर वो सीबीआई में अंदर आए और उनको पड़ा। और ये बात जब खुली तो मैंने कहा ये अहंकार है आपका,
कि जगन्नाथ जी के मंदिर के लिए आप व्यवस्था करोगे, जगन्नाथ जी को बुद्धि नहीं है, वो कर नहीं सकते, खुद की व्यवस्था आप करोगे। तो भगवान ने आपके अहंकार को थोड़ा सा क्रश करने के लिए आपको अंदर भेजा है, आप अंदर रहोगे नहीं, निकल जाओगे, चिंता मत करो। इसी तरह हमारे ऊपर जब कोई कष्ट आता है, हमारे कोई परीक्षा होती है, तो आप ये निश्चित मानना कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने हमारा वो अहंकार थोड़ा सा बाहर आया है और उसको भगवान शुद्ध कर रहे हैं। डॉक्टर अगर शरीर पर हमें ऑपरेशन करके वो छुरी या कैंची लगाता है तो हमें मारने के लिए नहीं लगाता है, हमें हर्ट करने के लिए कि हमें चीरने फाड़ने के लिए नहीं लगाता है, हमें ठीक करने के लिए वो लगाता है। तो परमात्मा की तरफ से दीवी कोई भी शिक्षा जो है वो हमें सीधे करने के लिए, हमें मारने के लिए नहीं है। तो आप अपने इष्ट, अपने परमात्मा, अपने गुरु पर हमेशा उतनी ही श्रद्धा, उतना ही विश्वास रखें। अपने शास्त्र, अपने राष्ट्र के इस सनातन धर्म पे आपकी श्रद्धा बनी रहे और यात्रा आपकी इस तरह चलती रहे। मैं तो हूँ ही हमेशा आपके साथ, लेकिन एक छोटा सा निवेदन करते करते चलूँ कि हमारे नाम से पिछले कुछ दिनों मेरे पास जानकारी आई है कि कुछ लोग फर्जीवाड़ा करके पैसे उगवा रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने कभी जीवन में अपने नाम से ना पैसा लिया था ना लूंगा। अगर हमने कभी काम किया है तो वो स्वामी विवेकानंद संस्कार केंद्र रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट है, उन्हीं के नाम का रजिस्टर्ड अकाउंट ICICI बैंक में जो लिंक में पीछे दिया हुआ वही रहता है, उसी का वही QR कोड होता है और वो पूरा पैसा हमारा बैलेंस शीट के अंदर दिखाया हुआ होता है। वो फिलान्थ्रोपिक हमारी जो धार्मिक प्रवृत्तियाँ उसमें चलता है, अस्पताल, ये मेडिकल, एजुकेशन वगैरह वगैरह में खर्च होता है। तो आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि जब भी इस तरह का कोई आप अनुदान दे भी रहे हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर जहाँ पे आपके संदेश और मैसेज और जिज्ञासाएँ आती हैं, और वो जो नंबर आपको याद है 9106460919, अर्थात 6901064609119, उस पर उसकी जानकारी ज़रूर दें। गलत इंसान को मेरे नाम से एक रुपया भी आपको देना नहीं है, मैंने कभी इस तरह की कोई याचना नहीं की है। आपसे करबद्ध होकर के मैं निवेदन करता हूँ, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, धर्म के नाम पर अधर्म जो फैला रहे हैं उनसे सावधान रहिए। आज इतना ही, अगले वीडियो में फिर कोई विषय अलग लेकर के मिलेंगे इसी चैनल पर जिसका नाम है स्वामी योग। नमो नारायण।